एक्जिमा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ स्किन है जिसमें अमूमन स्किन जो है वो मोटी हो जाती है, काली पड़ जाती है और कभी उसमें जो है घाव जैसे हो जाते हैं जिससे अनेक तरह का वाटरी सेक्रेशंस होता है, जिसको हम लोग जो है वेट एक्जिमा बोलते हैं। और जब कभी इससे सेक्रेशंस नहीं होते तो इसको ड्राई एक्जिमा की संज्ञा दी जाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर डॉक्टर आज तक इसके कारण को बता पाने में जो है सक्षम नहीं है। कभी इसको ऑटोइम्यून डिजीज माना जाता है तो कभी इसको एलर्जिक रिएक्शन माना जाता है। तो इस तरह से एक ऐसी बीमारी जिसका ट्रूली सेइंग आज हमारे पास जो है कोई एलोपैथिक साइंस में कम से कम मैं बताना चाहूँगा कि कोई इलाज नहीं है। केवल स्टेरॉइड्स के माध्यम से इस बीमारी को दबा दिया जाता है। जहाँ स्टेरॉइड्स का असर कम होता है फिर से बीमारी जो है निकल आती है। व्यक्ति को बहुत ही खारिश होती है और कभी कभी तो खारिश के कारण जो है स्किन से खून तक निकल आता है। जो एक्जिमा से पीड़ित हैं वो ये जो कुछ नुस्खे हैं जो मैं होम रेमेडीज आपको बताने जा रहा हूँ या आप कहिए कि आयुर्वेदिक वे से आपको ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कृपया जो है ध्यान से नोट कर लें। होम रेमेडीज के रूप में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको आंवला और हल्दी, ये दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में पाउडर करके लेना है और इसका लगभग एक बार जो है एक चम्मच भर के आप जो है नित्य दोपहर में सेवन करें, आपको लाभ होगा। दूसरे अगर होम रेमेडी की बात करूं या नुस्खे की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको लेना है छोटी इलायची का पाउडर 1 पार्ट यानी कि 1 भाग, आंवला 2 भाग और इन दोनों के बराबर मिश्री, इसको आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात में सोते समय आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एक्जिमा के स्पॉट्स जो हैं लगातार हल्के पड़ते चले जाएंगे और उसमें होने वाली खारिश जो है वो कम होती चली जाएगी। सर्दी के मौसम में खांसी एवं जुकाम बहुत ही आम समस्याएं हैं। वो समस्याएं जिनका समाधान आपके अपने किचन में विद्यमान होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि खांसी होते ही, जुकाम होते ही हम डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं और अमूमन एंटीबायोटिक्स जो है हमें दे दी जाती हैं या एंटीहिस्टामिन्स यानी कि सिट्रिजिन इत्यादि मेडिसिन हमें दे दी जाती हैं। ये मेडिसिन हमें थोड़ा जल्दी आराम तो देती हैं लेकिन उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस छोड़ जाती हैं, हमारे बलगम को अंदर सुखा देती हैं और जिसके बार बार री इन्फेक्ट होने के चांसेज बन जाते हैं। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप खांसी या जुकाम होने पर पहले जो है होम रेमेडीज़ का सहारा लें, क्योंकि मुझे लगता है कि 80-90% कंडीशंस में अगर आप घर के ही आइटम्स का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कफ एंड कोल्ड ठीक हो जाएगा। अब जहाँ तक बात आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर में जिनका प्रयोग जो है हम प्राइमरी मेडिकेशन के तौर पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अदरक का रस लगभग 1/2 चम्मच, तुलसी का रस लगभग 1/2 चम्मच, थोड़ा सा उसमें शहद मिलाएंगे और काली मिर्च 1 चुटकी 2 चुटकी 3 चुटकी अपने स्वाद अनुसार मिलाएंगे। आप ऐसा अगर दिन में 2-3 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कफ एंड कोल्ड जो है काफ़ी जल्दी जो है उसमें आराम आएगा और आप 2-3 दिन में पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। अगर दूसरे नुस्खे की बात करें तो वहाँ मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप काली मिर्च के लगभग 6-8 दाने, साथ में थोड़ा सा आप अगर हो सके तो एक मीठा बताशा जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसको चबा के खाएं और ऊपर से जो है 1/2 चम्मच हल्दी मिला दूध जो है अगर 1 कप आप ले लेते हैं और ऐसा आप दिन में 2 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको कोल्ड से आराम मिल जाएगा। कंडीशंस ऑफ टॉन्सिलाइटिस, लेरेंजाइटिस एंड फेरेंजाइटिस, अक्सर हम बच्चों में जो है देखते हैं कि वो थोड़ा सा भी अगर उन बदपरहेजी कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा ठंड लग जाती है या खट्टा खा लेते हैं या वो चीज़ें जो उनको रिकमेंड नहीं होती वो खा लेते हैं तो उनको जो है टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन